Akhil. Anita. I was thinking, you know this whole damad charm thing you were talking about? Oh, yeah. Yeah, today's a really good day to use it, you know, and I think you should be the one to start this conversation. I'm not the one who's going to start the conversation. Why? Because you wanted to wait for the right time to tell your parents. Yeah. I told my parents. No, it is the right time. I'm just saying I think you're also the right person to do it. Hi, babe. तुझे लग रहा है अनीता फाइट कर रही थी? तेरे को पता होना चाहिए अनीता कैसे फाइट करती है। This is not a fight. This was a discussion. It's what adults do. Besides, I was right about the whole thing. अगर हम पहले बात करते, then they would have been like, oh, क्यों, कहाँ, कैसे किसी से बात करी? How can you be so sure? How do you know? और अब जब हमने सब कुछ decide कर ही लिया है, तो this is the right time, Nikhil. तू ना मजे मत ले ज़्यादा. तेरा भी दिन आएगा, समझी? I'll do the same thing. Exactly. When do you plan to tell them? Well, just like you two, at the right time. Oh, hello, lipstick. Kab se? A lot's changed. That it has. Chale. Chalo. Makes me feel all right. सानी कह रहा था बैंगलोर की सड़कें 24 घंटे जाम रहती हैं। अच्छा तो मुंबई आ गई। अरे पर यहाँ सड़कें हैं कहाँ? पापा आपने हेयर स्टाइल चेंज की है क्या? अलग लग रहे हो। Yeah, very something. Yeah, something different. Yeah, ये रहता। दिखाया यार। माँ, this is so good, ne? माँ पापा, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। बात कर रहा हूँ। आपको पता है ना कि हम कितने महीनों से बच्चे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? मैंने नहीं बेटा, 2 साल से बात कर रहा हूँ। बोले तो आपको। Exactly, 2 साल से डिस्कस कर रहे हैं एंड इतना सब सोचने के बाद हमने एक्चुअली ये सोचा है कि ब्रिंगिंग अ न्यू लाइफ टू दिस वर्ल्ड इज नॉट द वाइजेस्ट डिसीजन राइट सो बट वी स्टिल वांट टू बी पेरेंट या वी स्टिल वांट टू क्रिएट अ फैमिली एंड हैव समथिंग टुगेदर एंड आपको तो पता है हम कोई भी डिसीजन झट से नहीं लेते हैं सो We've done a lot of research, spoke to a lot of people. And we've decided that we want to adopt a child. That's great, you guys. Yeah. Yeah, no, maybe. Yeah. Papa, say something. तुमने कहा था बैंगलोर से मैसूर पग लाने के लिए. Where is it? हाँ. Where is it? Ma, tell him. प्रकाश, फ्रिज में है ना पहला वाला डब्बा. Oh my God. Okay, हम actually मैसूर पग की बात करने वाले हैं. अब तुम दोनों ने अचानक ये बात शुरू कर दी तो हम प्रिपेयर्ड नहीं थे. लेकिन एक बात तो है तुम लोगों ने काफी सोचा है इसके बारे में और काफी श्योर भी लग रहे हो पर हमारे कुछ सवाल हैं क्या ऑफ कोर्स दैट्स अ गुड थिंग जस्ट आस्क पूछो हाँ वो तो पूछूंगी बट आई हैव टू से वन थिंग आई एम सो हैप्पी दैट यू आर डूइंग दिस इट्स सच अ ब्रेव डिसीजन है ना बिल्कुल काफी ब्रेव है काफी ब्रेव है यस यस एब्सोल्युटली
निखिल तुम अपने मम्मी पापा को कब बताने वाले हो? They also have to agree. हाँ, उनको ऑलरेडी बता दे, वो बहुत खुश हैं. मान चुके? कब बताया? ढाई महीने पहले बताया था. ढाई महीने पहले? तुम लोगों को क्या लगता है? What do you think? We are not progressive enough? No, I'm. अभी 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 बता रहे हो हमें या मतलब? अक्षता को हमने बैंगलोर जाने दिया. जाने दिया? We are open-minded people. शादी के पहले मैं और सुधा दो दिन के लिए पंचगनी गए थे अकेले घूमने. ओके. हाँ? और घर वालों से हमने झूठ बोला था. मैंने कहा था मैं कंपनी के ग्रुप के साथ जा रहा हूँ और इसने कहा था कि ये कॉलेज ट्रिप में जा रही है. लॉज बुक किया था हमने. We had fun. प्रकाश! क्या? या क्या बात चल रही है? मैं खुलकर बात करना चाहता हूं. तुम दोनों से काफी टाइम से बच्चे के लोग बात हो रही थी. कभी तुम नहीं रेडी थी, कभी निखिल नहीं. आज ये न्यूज देकर तुम लोगों ने हम दोनों का दिल खुश कर दिया है. तो क्यों टेंशन लेती है? अब तेरे बच्चे के साथ सिर्फ तुम दोनों ही नहीं, उसके नाना नानी भी हैं. और मासी भी. Yes. Let's celebrate. ये होता है मांस और पाप का टाइम. ये बहुत पुराना वाला है ना. पर पुराना वाला है ना. Client call, huh? I have to take this. Hey. Hello. Wanna tell him right now? Yeah. Fuck, like, actually, no. अक्षु यार, ये बैंगलोर का पानी तुम्हारे बालों को सूट नहीं कर रहा. हाँ, कितने बाल झड़ गए हैं तुम्हारे. Yeah, I know यार, मैंने काफी कुछ ट्राई किया है पर ये हेयर फॉल रुक ही नहीं रहा. Hey, one second. तो अक्षु, तुझे मेरी वो कॉलीग संगीता याद है? वो लंबे बालों वाली? Exactly. So she just tried this product called True Hair. It's been developed by an Ayurvedic doctor. And she just did the 3-factor analysis. Okay, I'm interested. So basically ना, वो तुम्हारे lifestyle और hair and body type को analyze करते हैं. और फिर उसके बाद, they suggest products which have ingredients that are suited to you. Check it out. Yeah, it looks good. And 4 products for $689 is really affordable. ये ट्राई करना पड़ेगा मुझे. पत्ते मिल गए. चलो कोट पीस हो जाए. चलो चलो चलो. एक सेकंड पापा 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 एक सेकंड बिफोर वी स्टार्ट. पापा मम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है. ओके, आज इनको भी बात करनी है, बोलिए. ओके, सो यू नो सिड? यस. सो सिड ने मुझे पिछले हफ्ते प्रपोज किया है. हम 3 साल से डेट कर रहे तो हमें लगा कि अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए एक दूसरे के साथ. That's so funny. Congratulations, actually. It's such a great news. I mean, मैं मैसूर पाक ले गया था ना. नहीं नहीं, रहने देते हैं, मुझे भी नहीं चाहिए. अक्षु, Are you sure about this? मतलब पिछले महीने रिधिमा ने शादी की इसलिए तुमने भी. यार, मैं आपको exactly कितनी immature लगती हूँ? I'm 28 now. हाँ, but
अक्षु तुम तो हमेशा ही इतनी इंपल्सिव रही हो यू नो। हाँ तो माय इंपल्सेस हैव पेड ऑफ राइट। और आप दोनों को तो मेरे बैंगलोर जाने से भी प्रॉब्लम थी बट लुक एट हाउ वेल माय वर्क इज गोइंग नाउ। एंड में मेरे डिसीजंस वर्कआउट हो गए ना। हाँ एंड वी आर हैप्पी कि तुम्हारे डिसीजंस वर्कआउट हुए। मैंने फोन पर तुमसे कहा भी था कि अच्छा हुआ तुमने हमारी बात नहीं सुनी और बैंगलोर चली गई। लेकिन देखो शहर बदलना और शादी करना ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। Exactly. हर एक एंगल से सोचना पड़ता है ना अनीता। अच्छा ओके तो अनीता जो भी करे सही है पर मेरे हर डिसीजन को आपको क्वेश्चन करना है। I thought you'd be happy. अरे कौन तुम्हारी डिसीजंस को क्वेश्चन कर रहा है? तुम ही तो अपना माइंड मेकअप नहीं कर सकती। अभी पिछले महीने तुम कह रही थी स्टडी लीव लेकर MBA करोगी राइट और अब तुमको शादी करनी है। हर एंगल से सब कुछ सोचो ना ठीक से। क्लाइंट का कॉल आ रहा है। यू नो ये कैसे भी हो एटलीस्ट ये मुझे 5 साल के बच्चे जैसे ट्रीट नहीं करती और शादीशुदा लोगों को भी स्टडी लीव मिलती है वैसे हम जस्ट सेइंग। हाँ जागृति या नो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू टॉक। ऐसा क्या कह दिया मैंने? मैं तो वो सिद्ध का फुल फॉर्म भी नहीं जानता हूँ। सिद्धांत सिद्धार्थ सिद्धेश क्या है? सिद्धार्थ सिद्धार्थ। हम कभी फेस टू फेस मिले हैं मुझसे? और वीडियो कॉल में तो आदमी पूरा भी नहीं दिखता इतना ही दिखता है। अरे तो उससे पूछ लेना था ना तब। अरे उसने पूछना चाहिए था ना। यहाँ तो बस खुद प्रपोज कर दिया शादी फिक्स कर दी। कम ऑन तुम दोनों को ये सब पता था? वो नो नो वो तो फिर ये बात भी तुम्हारे पेरेंट्स को हमसे पहले पता होगी। हाय चिन्ना। ए व्हाट हैपेंड यू लुकिंग वेरी टायर्ड। Yeah, I know, yaar. Just travel and parents and... Anyway, छोड़ो. What were you saying on text? क्या बताना था? भागने का तो प्लान नहीं है ना? तुझसे भाग के कहाँ जाऊँगा? Actually, it's nothing. आज ना 8 घंटे में वीडियो कॉल पे था. And the only thing I could notice was my face. Well, you do have quite a stunning face. I know you love this, पर यार हंसते हुए मेरे दांत ना बाहर आते हैं। मैं काफ़ी कॉन्शियस हो जाता हूँ और अब शादी में तो ये सब और भी होगा। So, I was thinking I'll get them fixed. Babe, I love you just the way you are, but I'll support you if you want to do this. Say, are you sure you want to get braces? काफ़ी painful नहीं होता? No, that's the thing, ये braces नहीं है, invisible aligners है from Tootsie. घर से 3D स्कैन हो जाता है तो बार बार क्लिनिक भी जाना नहीं होगा और मेरा काम भी मिस नहीं होगा। चलो दैट्स ग्रेट इफ इट हेल्प्स यू फील मोर कॉन्फिडेंट। दैट्स व्हाट आई एम होपिंग फॉर। ओ बाय द वे मेरी पैकिंग सारी हो गई है तो मुझे कल लेने आ रही हो ना? अरे हाँ बाबा एंड आई एम रियली ग्लैड यू स्टेइंग एट द यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस। अच्छा हुआ मैंने यहाँ रहने के लिए फोर्स नहीं किया। माई पेरेंट्स आर मैड। अक्षु काम डाउन कितना भड़क रही है तू। मुझे तो लगता है तुम्हारा उनसे मिलना भी पॉइंटलेस है। Say something. If I say something, you'll get upset. Say it. I feel you may be overreacting. मैं overreact नहीं कर रही हूँ. They treat me like a toddler. Listen, okay, think from their perspective. तुमने भी तो बिना बताए ये topic शुरू किया तो वो. यार, तुम उन्हें क्यों defend कर रहे हो? You know what? Leave it. I'll come tomorrow to pick you up at the airport. तब continue करते हैं. Bye. अक्षु. You know, I'm damn sure कि हमारी शादी के बाद कैसा कोई ड्रामा नहीं होगा। Am I right or am I right? Neither. They reacted the exact same way when I first told them about you. अरे यार। वैसे बात अक्षु की हो रही थी इसलिए थोड़ा ज़्यादा भड़क गए थे। But even otherwise, they react this way only every time they hear something new. मैं तो actually surprised हूँ इतना जल्दी कैसे मान गए। I think you were right. It's the damad charm. Oh, it's okay. Working. That's convenient. The damad charm is working. Huh? That's yeah, great. Yeah, won them over. And also, I think parents na desh ki tarah hote. Perfect hote nahi hai. Banana padta hai. Dialogue machar Nikhil. Are?
I'm serious. शर्मा जी. Yes. मैं कुछ बोलने वाला हूँ पर ऐसा सुन के खुशी के मारे बेहोश नहीं होना. ओके. So I've been looking at some investment plans. Okay. उनमें से एक है that I really like because if we invest in that by the end of this year, it'll be perfectly timed for our child's masters. यार देख, student loan ना 20 साल में बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, right? So I think it's a good decision. What? Don't laugh at me. It's a smart decision. Listen, मैं तेरे बच्चे का होने वाला बाप हूँ. Give me some respect. What? It's not that. What? It's not that. Okay, it's just that. Okay. You remember कि जब हमने पहले इस adoption के बारे में बात करी थी, हम ऐसे ही घर आ रहे थे. I was just so sure कि ये conversation तभी खत्म हो जाएगी. But तभी की तभी खत्म नहीं हुई. We are talking about college funds, yaar. Sharma ji, I'm going to be a great father. You'll see. कभी कभी मुझे लगता है तुम और मैं. Don't say it. Just. मम्मी पापा की तरह हो गए. निखिल, तुम्हें नहीं लगता कि वो थोड़ा जल्दी मान गए? How do we know that they're actually on board? तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो? No, why would they lie about something like this? Tell me that. If they're saying they're on board, I'm sure they're 100% on board. I'm not 100% on board, huh? प्रकाश, अगर मन में कुछ बात है तो उसे बड़ा करने से बेटर है उसके बारे में बात करो. क्या फायदा बात करके? निखिल के मम्मी पापा सपोर्ट में हैं, तुम भी सपोर्ट में हो, मैं क्यों बनूं ऑड मैन आउट? पर मैं एक बार बता दे रहा हूँ, इस बच्चे को बड़ा करना आसान नहीं होगा. इस बच्चे को बड़ा करना कहाँ आसान था? ताऊजी का एग्जाम्पल तो तुमने देखा ही है. पूरी फैमिली में किसी के साथ नहीं जमती थी उनकी, अपने भाइयों बहनों के साथ भी नहीं. अरे ताऊजी को गोद लिए हुए कितने साल हो गए हैं, अब जमाना बदल गया है. अरे दैट इज नॉट द पॉइंट सुधा, मैं तो ये सोच भी नहीं रहा हूँ कि लोग क्या कहेंगे. मुझे टेंशन सिर्फ अनीता और निखिल की हो रही है. हाउ आर दे गोइंग टू मैनेज? और मैं पूछता हूं कि अगर बच्चा खुद कर सकते हैं तो ये करने की क्या जरूरत है? हाँ, समझ में नहीं आता कि निखिल के माँ बाप इतने जल्दी कैसे मानते हैं. उनसे बात करके देखें, उन्होंने भी तो कुछ सोचा होगा. पर प्रकाश, जब भी हमने निखिल और अनीता के मामले में इंटरफेयर किया है ना, बस झगड़े ही हुए हैं. लो, मतलब कोई कुछ बोल ही नहीं सकता? ऐसा नहीं कह रही हूं मैं, उनके माँ बाप है हम, उनकी फिक्र तो होगी ही हमें. लेकिन जिन चीजों का कंसर्न तुम्हें है उनके बारे में उन्होंने भी तो सोचा होगा. अब देखो, खुद का बिजनेस, स्टार्टअप, जॉब, अपना घर लेना, ये सब कितनी अच्छी तरह से मैनेज किया है उन्होंने. वी शुड गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट. हमें उनके सपोर्ट पिलर्स बनना है. अरे कुछ तो बोलो. अरे सोच रहा हूं, ऐसे दो मिनट में इतना बड़ा ओपिनियन कैसे चेंज कर दूं? निखिल के माँ बाप को 2 महीने मिले थे. किचन से आपको देख नहीं सकती. अरे नहीं चाहिए मुझे. अक्षु सो रही है क्या? अरे वो तो सुबह ही ऑफिस चली गई.
उसको जल्दी पहुंचना था आज. मुझे लगता है कल रात के डिस्कशन को लेकर वो अभी भी नाराज है. सुनो, कॉफी मुझे भी देना. अरे मैंने सुना है, पढ़ा भी है कि मॉर्निंग कॉफी इज गुड फॉर हेल्थ. ये सिड के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? अब अक्षु से ही पूछ लीजिए. वो कहाँ सुनती है मेरी. चीनी थोड़ी ज्यादा डालना प्लीज. तुम्हें पता है ना, शी डज नॉट लाइक टू बी क्वेश्चन्ड अबाउट हर डिसीजंस. तुम्हें भी कल रात चुप रहना चाहिए था. हाँ, और आपकी तरह यहाँ बैठकर उसके पीठ पीछे उसकी बातें करनी चाहिए थी, है ना? आयदा क्या हुआ? बरसी ना तो तुमसे उल्टा. हाँ, पर अभी के लिए जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब वो सोचेगी. मैं नहीं बोल रही कि वो अग्री करेगी, लेकिन सोचेगी जरूर. आज के जमाने में सोशल मीडिया से कोई नहीं छूटा है. इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, कहीं ना कहीं से तो उसकी लीड मिल जाएगी. लीड? क्या बात कर रहे हैं आप? हम सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं ना. सिद्धार्थ, र र. अक्षता ने हमें उसके बारे में उतना ही बताया है जितना वो हमें बताना चाहती है. सोशल मीडिया उसकी पूरी खोलेगी. आप कैसी बात कर रहे हैं? अब बात कीजिए ना उससे, अपनी बेटी से बात कीजिए. फिर वही, यू आर मिसिंग द पॉइंट एंड यू आर मिसिंग कॉमन सेंस. भाटिया ने एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हायर करी थी अपने दामाद के बैकग्राउंड चेक करने के लिए. यू वोंट बिलीव क्या क्या चीजें बाहर निकल के आई. सुधा, शादी के एक हफ्ते पहले उन्हें पता चलता है कि वो MBA का करियर छोड़ के कोई ऑनलाइन गेमिंग का करियर शुरू करने वाला है. बताओ. अरे ऑब्वियसली भाटिया की तो फ्यूज ही उड़ गई ना, उसने शादी कैंसिल कर दी. हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले. सुधा, ये हमारी बच्ची का सवाल है ना, हमें पता होना चाहिए कि वो लड़का कैसा है, कहाँ से है, उसका बैकग्राउंड क्या है, पास्ट क्या है, फैमिली कैसी है. आई मीन वो अक्षु के लिए सही है कि नहीं है. तुम्हें पता है ना अक्षु कितनी मैच्योर है. हाँ, और क्यों है ये भी दिख रहा है मुझे. मतलब फोन किसको फोन कर रही हूँ? एक्सपर्ट को जानती हो तुम. स्पीकर में डालो, हम दोनों बात करते. आप कुछ नहीं करेंगे, ये मैं हैंडल कर रही हूँ. ठीक है? हैंडल कर रही हूँ मतलब? हेलो, अरे कैसे कर, कोई प्लान है क्या तुम्हारा? You know, Dee, the sugar lipstick and eyeliner have saved my day so many times. I can't go anywhere without it in my bag. Of course I know. But now I have a question for you guys from your favorite makeup brand. What are your favorite everyday go-to products that you carry in your bag? And tell us which product did I apply before I went back home. Leave your answers in the comments below. And don't forget to find the details in the description. But also, don't forget to download Sugar app. I'm crash your car, I'll go too far. But you smile like it's alright. Never mind, I'm gonna let some contradictions be silenced. It's just like an apple on a tree. Once a day keeps the doctor away, but they'll be trying.